सिवनी जिला के अधिकतर गांवों में झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होने के कारण बिना डिग्री के डॉक्टर और बिना किसी संबंधित अधिकारी की रोक टोक के धड़ल्ले से मरीजों की अंग्रेजी दवाई दी जा रही हैं, जिसके कारण आमजनों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आखिर जवाबदेही तय किसकी होगी? न्यूज 99 ब्यूरो चीफ सिवनी राम नरेश पटेल द्वारा घनसौर बीएमओ डॉक्टर भारती शॉन केशरिया से बात करने पर डॉक्टर भारती ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर डिग्री के इलाज करते हैं या उनके द्वारा दी गई दवाओं का दुष्प्रभाव किसी मरीज को होता है तो डॉक्टर के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। न्यूज 99 ब्यूरो चीफ राम नरेश पटेल ने घनसौर विकास खंड के ग्राम देवारी में डॉक्टर कर रहे सुदीप भौमिक पिता सुदीन भौमिक जो कि बंगाल से हैं और बिना डॉक्टर डिग्री के इलाज कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि संबंधित अधिकारियों के द्वारा ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी। यहां देवारी गांव है, आप यहां कब से डॉक्टरी कर रहे हैं? जी हम तो नहीं करते हैं, यहां पे सीखने आए हैं। कहां से आए सीखने? बंगाल से। अच्छा, यहां डॉक्टरी कब से, यहां कब से बैठ रहे हैं आप? मैं यहां पे लगभग साल भर। एक साल से यहाँ आप डॉक्टरी कर रहे हैं? कर नहीं रहे सर, बताएं। डॉक्टरी की दुकान खोल के बैठे हैं आप? डॉक्टर की सीट डॉक्टर नहीं है तो उस जगह पे हम बैठे हैं। हाँ, डॉक्टर नहीं है तो आप उनकी जगह पे डॉक्टरी कर तो रहे हैं ना। किस पैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही। डिग्री है आपके पास कोई? कोई डिग्री नहीं। अगर ये आप जो बिना डिग्री के यहाँ डॉक्टरी कर रहे हैं और अगर किसी को कोई दुष्प्रभाव हो जाए, किसी को कोई दुष्परिणाम हो जाए, उसके लिए जवाबदार कौन? बताइए आप, जवाबदार कौन होगा उसके लिए? तो जवाबदार हमारे ऊपर ही है। इनका सीधा सीधा कहना है सुदीप कुमार जी का कि कोई डिग्री हमारे पास नहीं है, कोई पैथी की डिग्री नहीं है और हम ये सारे जो इंजेक्शन बाटल जो लगा रहे हैं इससे अगर किसी के ऊपर कोई दुष्परिणाम होगा तो उसकी जवाबदारी स्वयं होंगे। यही सही है। और बाकी आपका कोई जिला में या कोई ब्लॉक में कोई पंजीयन है डॉक्टरी करने का? इनके पास कोई पंजीयन भी नहीं है और डॉक्टरी करने की कोई परमिशन भी जिला से या ब्लॉक से इनके पास में नहीं है। न्यूज 99/24x7 से राम नरेश पटेल, ब्यूरो चीफ सिवनी, कैमरामैन राम कुमार रजक के साथ। आज पहुंची है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर और यहाँ पर जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हैं, वो आरती सोन के सरिया हैं और न्यूज 99 की टीम ये जानकारी जुटाने आई है कि जैसे कि विगत दिनों न्यूज़पेपर के माध्यम से पत्रकार मित्रों ने छापा था कि घनसौर क्षेत्र में आसपास झोला छाप डॉक्टरों की भीड़ है और ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं कि जिनके दवाई करने के बाद उनके दवाओं के दुष्प्रभाव से लोगों को बहुत हानि हो रही है। तो इसी बात को लेकर जानकारी लेते हैं डॉक्टर भारती सोन कैसरिया जी से कि क्या जो आसपास के क्षेत्र में जो झोला छाप फर्जी डॉक्टर बैठे हुए हैं उनकी जानकारी है आपको? जैसे कि अभी आप यहाँ कितने दिनों से पदस्थ हैं घनसौर में जी? इतने इन दिनों के बीच में किसी गांव से, देहात से किसी की कोई ऐसी खबर आई है कि जिसके इलाज से किसी को दुष्प्रभाव हुआ? दो भी गांव की खबर आई थी जिसके हम लोगों ने निराकरण कर सीएमओ ऑफिस में भेज दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर किसी डॉक्टर की अगर हमको खबर मिलती है या कि ये झोला छाप डॉक्टर है या फर्जी डॉक्टर है, इसका कोई आपके घनसौर में या सिवनी में जिला अधिकारी के पास में कोई ऐसी जानकारी नहीं है डॉक्टरी करने की, तो क्या उस पर आप आगे कार्रवाई करेंगे? धन्यवाद। न्यूज 99/24x7 से ब्यूरो चीफ राम नरेश पटेल, कैमरामैन राम कुमार।